everyone. So right now I am in gorgeous Gurez Valley. और कल शाम ही मैं पहुंचा हूं और यहां पहुंच के रात में मुझे पता लगा कि यहां से आगे कुछ 30 किलोमीटर के करीब एक और वैली है जिसका नाम है तुलेल वैली. तो आई डिसाइडेड रात में ही कि सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करके पहले तुलेल वैली घूम के आएंगे, उसके बाद फिर आराम से गुरेज में अगर एक आधा दिन और स्पेंड करना हुआ तो करेंगे. तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकला हूँ और ये जो रास्ता है सामने ये जाएगा तुलेल वैली. ये रोड है और ये मेरे लेफ्ट साइड में किशन गंगा यानी नीलम दरिया और वो वाली वैली भी बोलते हैं कि इसी नदी के किनारे पे है. बांदीपुरा के बाद कई बार चेकिंग हो चुकी है, एंट्री भी हो चुकी है, बॉर्डर एरिया है ना. अभी ये जो सामने पिरामिड शेप का पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के पीछे वाली तरफ पीओके है और हमको रिवर के राइट साइड में जो ये रोड बना हुआ है इस रोड से होके चलना है. लेडीज लकड़ियाँ लेके आए हैं सुबह सुबह और ये आप देख सकते हैं जो तारबंदी सिक्योरिटी के लिए की हुई है. चलो एक वैली देखने आए थे, एक की जगह दो वैलीज देखने को मिलेंगी. ये वाली वैली जो है गुरेज के काफी अंदर जाके है, इसलिए दोनों तरफ के जो पहाड़ है इनके बीच में नीलम दरिया, इसके साथ साथ हमको अंदर जाना है. वाह यार, दरिया नीलम. This is amazing, यार. I never thought कि कश्मीर में मैं इतना इंटीरियर्स में आऊंगा कभी. मतलब गुरेज का नाम भी मैंने अभी रिसेंटली सुना था, शायद इंस्टाग्राम पे एक दो कहीं फोटो देखे थे या इंटरनेट पे कहीं पे कोई ब्लॉग में था और उसके बाद से ही मेरा मन बन गया था कि इस बार तो गुरेज वैली जाना ही जाना है. एंड हियर आई एम, नीलम नदी के किनारे किनारे गाड़ी चल रही है अपनी. लुक एट दिस. I don't know, I'm just so happy and I'm loving it. Wow, yaar. Beautiful. इस तरफ ये जो दोनों वैलीज है ना इनको ज्यादा खूबसूरत बनाता है दरिया तो है ही है, फिर जो ये देवदार के पेड़ हैं इतनी ग्रीनरी है ना. और लकीली मैं ऐसे मौसम में आया हूँ जब जो ग्रीनरी है वो अपने पीक पे होती है. बारिश का मौसम जुलाई एंड होने को है तो दरिया की उस तरफ गांव के लोग जिनकी गायें चल रही हैं वो तो इस तरफ जंगलों में आते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ही कमाल का एक इलाका है ये. वो तो आप देख ही रहे हो सामने, इतनी शांत पीसफुल जो वैली है ना पहाड़ों में,
मैंने नहीं देखी। नेचुरल ब्यूटी इतनी ज्यादा है यहाँ पे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ नीचे दरिया किनारे कंक्रीट के कुछ बने हुए हैं, चबूतरे टाइप, पता नहीं क्या है। और यहाँ पे कुछ घोड़े और गायें चल रही हैं। यहाँ से आगे रास्ता भी बीच बीच में खराब होने लग गया है थोड़ा। नई जगह पे आने का फायदा ये है, हर थोड़ी दूर पे आपको एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है, जैसे ये वाला। यह बरनोई तुलेल वैली का पहला गांव, लकड़ी से खेतों की फेंसिंग कर रखी है। भाईजान मिले हैं मुझे सारे के सारे, अपने कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, बारामूला से, सारे के सारे के अलग अलग, बारामूला से, सब बारामूला से हैं। और ये भी मेरी तरह गुरेज घूमने आए थे। अभी हम कल रात मिले थे गुरेज में, डाबर में। आज मैं जैसे आ रहा था तो इनके पास गाड़ी है, ये तुलेल घूम के वापस भी आ गए। आज आपको वापस जाना है? ठीक है, आज इनको बारामूला जाना है वापस। तो ये देखिए पूरी की पूरी गैंग्स ऑफ बारामूला। ठीक है, तो कैसा लगा गुरेज? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सबको आना चाहिए ना यहाँ पे, सबको। तो अभी रास्ते में गांव के कुछ लोग यहाँ देखे मैंने, ये घास काट रहे हैं सर्दियों के लिए। सर्दी में यहाँ कितना बर्फ गिरता है? 3-4 मीटर। अरे वाह, कितना दिन तक रहता है वो बर्फ? छह साल। ठीक ठीक, 6 महीना, 2 महीने, 2 महीने का पूरा विंटर को होता है वो। उतना में चल जाता है? उतना में चल जाता है विंटर में। कितना पशु आपके है? कितने पशु हैं? हमारे 10-15-20। 10-15-20? गाय 2-3, घोड़े 2-3। अच्छा, उसके बाद भेड़ बकरी भी है? भेड़ बकरी और क्या, 20-25 भेड़ बकरी भी। अच्छा अच्छा, यहाँ तिलेल का इलाका है ना, गुरेज का अलग है। अच्छा, गुरेज और ये तिलेल, इन दोनों में अलग अलग है? अलग अलग है, यहाँ बरनाई से तिलेल स्टार्ट है। हाँ हाँ, चक के पार है। हाँ हाँ, गुरेज। अच्छा, तो आपकी यहाँ से बरनाई से लेकर चकवाली तक है तिलेल का इलाका। तो आपकी बोली इधर सब लोग शीना बोलते हैं? सब लोग शीना बोलते हैं, मगर कश्मीरी भी सब लोग जानते हैं, उर्दू भी करते हैं, अंग्रेजी भी करते हैं, शीना भी करते हैं, 3-4 बोले करते, पढ़ाई भी करते हैं ना। तो बाकी जो कश्मीर के लोग हैं वो लोग आपकी बोली समझते हैं? कश्मीर के कोई नहीं समझता, नहीं समझते, हम कश्मीरी समझते हैं। अच्छा, तो कश्मीर के लोग नहीं समझते। अच्छा अच्छा, कश्मीरियों को हमारा बोली बहुत टफ है, बहुत नहीं, 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 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ नहीं है ना, अगर सच अगर प्लेन होता ना वहाँ बैठ कर काटते, यहाँ है ना यहाँ पे बीच में एक ब्रिज आया है गांव के थोड़ा आगे, और इसी नाले के पास में एक छोटी सी चाय की दुकान मिली है जनाब की। यहाँ पे एक मैगी खाते हैं, एक चाय पीते हैं, फिर आगे रवानगी करते हैं। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है ये बैठने के लिए। ये नीचे किशनगंगा नदी है, ऊपर जाके देखो आप, उम्मीद
दो खेतों के बीच में टावर के पास छोटा सा गांव, चार पांच घर होंगे और उसके ऊपर एक और, उसमें भी पांच छह घर होंगे, फिर उस तरफ जंगल पूरा। सो इधर आज बारिश हुई, उसके बाद टहलते टहलते मैं ऊपर आ गया खेतों की तरफ और यहाँ वे भाईजान मिले हैं यहाँ के। हेलो भाई। हेलो, क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, ठीक है भाई। पानी लगा रहे थे खेतों में, वैसे थोड़ी बहुत बारिश हुई आज सुबह, पर उसके बाद जैसे चलता हुआ आ रहा है तो वो पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया है इन्होंने, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं इनसे। गांव के बाहर इस तरफ सारे खेत हैं और ये नाला आ रहा है जो पानी का, ये आए पानी आता है सारा का सारा ऊपर पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघल के नाले या छोटे छोटे झरनों से होके आती है, तो फिर इन्होंने अपने अपने खेतों में नालियां बना रखी है। तो भाई ये जो पानी है इसका क्या, आपका जैसे बारी होती है हफ्ते में के कैसे खुला चलता है? नहीं सर, हम बारी भी करते थे लेकिन हाँ। इस साल जो अभी बारिश हुई ना, हाँ हाँ, उसके कारण यहाँ लोग नहीं आए। अच्छा, तो अभी मैंने पानी लगाया, यूं ही मौसम ये खुशक रहता है ना, हाँ, सूख जाता है फसल, तो फिर हम बारी लगाते हैं, पानी ज्यादा ला रहे ना। हाँ हाँ, पर पानी की कमी तो नहीं आती फिर? नहीं, पानी की कमी नहीं है उसमें भी, इतना है कि भाई सब लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम से फिर अपने अपने सारे खेतों में देना पड़ता है। बिल्कुल, सब, जब गर्मी होती है सब सब खेतों में जाता है। ठीक है, तो खेतों में आपके यहाँ पे क्या फसल होती है? सर ज्यादातर यहाँ आलू और राजमा निकलते हैं। आलू और राजमा, तो जो पानी की जो बारी होती है वो घंटों के हिसाब से या कैसे होती है? जब तक वो अपना पूरा खेत खत्म करेगा, हाँ, तब तक उसी को हम पानी रखते हैं, उसके बाद जब वो खत्म करेगा तो दूसरे बंदे। मान लो आपके पास कितने खेत हैं यहाँ? मेरे पास यहाँ पर तीन चार खेत हैं। तीन चार खेत, मतलब एक खेत को कितना खेत बोलते हैं आप? कितना एक है, मतलब ये दो कनाल का होता है, तीन कनाल भी बीघा होता है यहाँ तो। अच्छा, तो आपके यहाँ कनाल के हिसाब से होता है? ठीक है, तो आपके पास कितने कनाल के? चार पांच खेत हैं? सात आठ कनाल सारे मिला के। बिल्कुल। ओके, तो उसमें पानी देने में कितना टाइम लगता है? उसमें कम से कम दो तीन दिन लगते हैं। दो तीन दिन लगते हैं? दो तीन दिन लगते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है एक जगह, थोड़ा थोड़ा। ओके, हाँ ये तो हम देख ही रहे हैं, मतलब कि छोटी छोटी नालियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा पानी चल के आ रहा है। तो ये पीछे क्या मक्की है कि ज्वार है? तो मक्की है सर, ये घास की मक्की है। अच्छा, घास वाली है? ये घास वाली मक्की। अच्छा, वो मक्की नहीं है, वो वाली जो मक्की खाते हैं वो वाली नहीं? वो नहीं, वो तो पहले डालते थे, अब यहाँ से रीच आ रहा है, बालू आ रहा है। हाँ हाँ, उसने तो यहाँ कुछ नहीं रखा। अच्छा, बालू अब खा जाता है? वो पूरा खा जाता है, तबाह कर देता है। तब से यहाँ बंद किया यहाँ के लोगों ने। अच्छा, फिर अपने पशुओं के लिए घास की मक्की डाल रहे हैं, घास वाली मक्की और आलू निकालते जा रहे हैं, बाकी राजमा और आलू। तो ये इस तरफ क्या बोल रहा है? ये राजमा है सर। अच्छा अच्छा, ये राजमा, एक सेकेंड देख लेते हैं, ये देख लीजिए आप। ये दूर से मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मूंग होता ना हमारे, तो ऐसे होते हैं मूंग के पत्ते और उस पर थोड़ी थोड़ी फिर फली लगती है, तो ये है राजमा और वो जो सफ़ेद सफ़ेद फूल है ये वाला आलू है। ठीक है, और ऊपर जो ये यहाँ पे मैंने देखा घास का मैदान खुला जंगल में, तो ये मैं देख रहा था कि दो तीन लेडीज अब गाय लेके जा रहे थे ऊपर, तो गाय सुबह छोड़ आते हैं शाम को ले आती हैं, तो खुला छोड़ देते हैं उनको? खुला भी छोड़ता है और बंदा भी जा सकता है, तो 30-40 गाय इकट्ठे करते हैं। हाँ हाँ, फिर हम बारी करते हैं। अच्छा, गांव की? गांव की, फिर दो दो बंदे जाते हैं उनके। अच्छा, मतलब सारे गांव की रखवाली करते हैं ताकि वो यहां जो गाय हैं। ठीक है, यार ये बढ़िया सिस्टम है, यहाँ पे देखो यहाँ खेत में कि पूरे गाँव के जो पशु हैं गाय हैं वो खुले चरते हैं जंगलों में, और ये ऐसे नहीं है कि हर घर से मतलब अपनी अपनी वो लेके जाएगा, यहाँ पे जैसे कि हर रोज की एक या दो बंदों की बारी लगा देते हैं। तो यहाँ अपने को थोड़ा यहाँ का कुछ देखने को मिलेगा। वाह यार, कितने कमाल के घर हैं, लकड़ी के पुराने। अरे देखो इस तरफ भी सारे के सारे घर सेम स्ट्रक्चर के हैं, लकड़ी क्या है ये ज़्यादा इन्होंने तराशा भी नहीं है, सिंपल जो पूरा पेड़ का तना होता है उन तनों को इकट्ठे कर करके जोड़ के दीवारें बनी हैं। और
ये देख लो आप, पूरी की पूरी दीवार जो है घर की, ये आ गया नीरू गांव। तुलेल वैली काफी अंदर तक आ गया हूँ मैं इस वैली में। आगे गांव है कोई, बड़गाम करके नाम है, बस वहां तक जाएंगे। पूरी की पूरी जो तुलेल वैली है और इसी तरीके के गांव से बनी हुई है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे छोटे छोटे गांव, नीचे दरिया के किनारे बसे हुए हैं। मौसम बहुत शानदार है यहाँ का। तो ये है बड़गाम, इस वैली में यही करती है अपनी मंजिल। ये दो जहाँ बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। सर चाय का दुकान कहाँ होगा? थैंक यू। तुलेल वैली का जो सफर था यही तक था। ये गांव है बड़गाम, ग्रेट नाला तुलेल। तो यहाँ ये भाई के पास चाय पी, अभी खाया थोड़ा भूखी, और यहीं से अभी वापस चलते हैं दावर। शाम के 4:30 हो गए हैं, टाइम से पहुँचना भी है। चलो भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अगली बार आएंगे तो अगली बार पूरा तुलेल वैली आगे तक जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो कौनसा काबुल गली, तो काबुल गली अगर खुल जाए तो वो भी बढ़िया है। फिर दराज से सीधा इस तरफ आ सकते हैं हम, क्योंकि ये जो रोड है आगे जाके लद्दाख में मिलता है दराज में, पर अभी कहते हैं कि वो रास्ता बंद है तो वहाँ तक जा नहीं सकते। वापस से अगर लद्दाख जाना हो तो यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, सुशीला पार करके। ठीक है, चलो फिर।